बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालूवाद को लेकर आज तीसरा सवाल पूछा है। उन्होंने पहला सवाल मंगलवार को पूछा था पशु और पशुपालकों के संबंध में, दूसरा सवाल उन्होंने बुधवार को पूछा स्वयं सहायता समूह को लेकर के, और तीसरा सवाल आज यानी गुरुवार को उन्होंने पूछा है बीज केंद्र को बंद करने को लेकर के। उन्होंने कहा है कि बीज केंद्र क्यों बंद किए गए। नीरज कुमार ने लालू सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय का इस्तेमाल चारा घोटाले को संरक्षित करने के लिए किया है। उन्होंने सवाल किया है कि लालूवाद अगर विचारधारा है तो उनके संस्थाओं से मदद की पेशकश के बावजूद भी चरवाहा विद्यालय क्यों नहीं सफल हो पाया। क्या लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय के आधारभूत संरचना के लिए मात्र 1 करोड़ और चारे की सुविधा देने के लिए 6 करोड़ का बजट इसलिए रखा ताकि चरवाहा विद्यालय के नाम पर आवंटित किया गया चारा का पैसा भी हजम करना आसान हो सके। नीरज कुमार ने कहा कि चरवाहा विद्यालय के नाम पर लालू सरकार ने दलित पिछड़ों को गुमराह किया। योजना आयोग के अनुसार बिहार में चल रहे चरवाहा विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों में से 62.5% छात्र ओबीसी और 27.5% अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। यानी साफ है कि अगर चरवाहा विद्यालय फलता फूलता तो सर्वाधिक लाभ समाज के पिछड़े वर्ग को होता, पर लालूवाद ने चरवाहा विद्यालय बनाने की घोषणा करने की नौटंकी करने के बाद इसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया। चरवाहा विद्यालय के नाम पर लालूवाद ने 2004 में फिर से नौटंकी करने की कोशिश की, जब चुनाव से 6 महीने पहले रावड़ी सरकार ने 69 नए चरवाहा विद्यालय खोलने की घोषणा की, लेकिन तब तक बिहार की जनता सब समझ चुकी थी। उन्होंने लालू पर आरोप लगाया कि बीज केंद्र को बंद कर उस जमीन को चरवाहा विद्यालय के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि दिसंबर 1991 में लालू सरकार ने 113 चरवाहा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार को आधारभूत संरचना पर 1 करोड़ खर्च करने के लिए कोई अलग से आर्थिक निवेश की जरूरत नहीं थी। तय हुआ कि कृषि विभाग अपने बीज केंद्र की जमीन देगी जिसका विभाग इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इस तरह वन विभाग को चरवाहा विद्यालय के आसपास पेड़ घास लगाने का जिम्मा दिया गया। मत्स्य विभाग को विद्यालय परिसर में मछली पालन को बढ़ावा देने, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने को कहा गया। पहले से ही शिक्षकों की किल्लत झेल रहे शिक्षा मंत्रालय के लिए नए शिक्षक बहाल करने की बजाय उन्हें शिक्षकों को चरवाहा विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहले से ही शिक्षक छात्र का जो रेशियो था, जो अनुपात था, वो 1:90 था, जो 2005 आते आते 1:122 हो गया, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 1:40 था, जो 2015 और 16 में ही घटकर 1:28 हो गया। कृषि विभाग ने अपने 114 कृषि बीज केंद्रों को चरवाहा विद्यालय में रूपांतरित कर दिया। मत्स्य विभाग और पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को इन चरवाहा विद्यालयों को मॉनिटरिंग करने का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। उन्होंने बताया कि आरजेडी के घोषणा पत्र में कभी भी चरवाहा विद्यालय को पुनर्जीवित करने की बात नहीं की गई। 1992 आते आते इसकी संख्या 112 और फिर 1995 तक इसकी संख्या 354 जा पहुंची। चरवाहा विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि 1995 के चुनाव के बाद एकाएक शिक्षक विद्यालय बंद कर दिए गए। नीरज कुमार ने पूछा कि क्या लालू सरकार बताएगी कि 1995 से 2005 के बीच इन 354 चरवाहा विद्यालय के लिए क्या किया गया। आरजेडी के घोषणा पत्र में कभी भी चरवाहा विद्यालय को पुनर्जीवित करने की बात क्यों नहीं की गई। उन्होंने आगे बताया कि लालू सरकार ने योजना आयोग की रिपोर्ट ने वर्ष 1992 में इस पर अध्ययन किया था और अपने रिपोर्ट में कई कमियों के साथ सुझाव भी दिए थे, पर लालू सरकार ने ना तो उन कमियों पर कोई ध्यान दिया और ना ही उन सुझावों पर। राज्य के विद्यालय पहले से ही शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे, तो चरवाहा विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी कहां से जुटते। प्रणीति रही कि अंततः चरवाहा विद्यालय में ताला
लगा दिया गया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई तो लगभग एक दशक से वीरान पड़े चरवाहा विद्यालय की भूमि पर फिर से कृषि बीज का उत्पादन शुरू किया गया। 2020 से 21 में कुल 16,668 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया और किसानों को बांटा गया।